वो लोग तो कहीं पे भी घुसने नहीं देते, वो लोग तो बात भी करने नहीं देते, जीने भी नहीं देते, सांस लेने भी नहीं देते। मोदी जी को बोलते हैं कि बेटियां न्याय मांग रही है, मोदी जी बोलते हैं कि केरल की हिंदू बेटी खतरे में है, तो ये भी तो हिंदू बेटी है ना। टीवी में बैठकर ऐसे बोलने से कुछ नहीं होगा, अगर हिम्मत है तो जंतर मंतर पर आइए और इन लोगों का सामना कीजिए। अमित शाह को मोदी जी को प्रधानमंत्री किसने बनाया, अमित शाह को गृहमंत्री किसने बनाया, जनता ने बनाया, जनता जनार्दन, लोग खाने के लिए तरस रही है, महंगाई सर के हो गए है, युवाओं के पास नौकरी नहीं है, गुच्छी का माफला ले लिया, क्या होगा। हाँ, पंचायत में एक अनाउंसमेंट की गई थी कि 28 मई को किसान महिला नए संसद के बाहर बैठकर पंचायत करेंगे। और वहीं पर अगर हम नई संसद की बात करें तो मोदी जी ने इनवाइट तो वैसे सबको किया है, लेकिन कोई भी विपक्ष पार्टी उसमें शामिल होने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि वो लगातार विरोध कर रहे हैं नए संसद के प्रधानमंत्री के उद्घाटन पर, उसी सब पे बात करने के लिए। और बाकी मैं एक चीज़ और बताऊंगा, इस टाइम जंतर मंतर पर मौजूद है और पहलवान लगातार उनका धरना चल रहा है उनसे। बाकी हमारे साथ मैडम मौजूद है, इनसे बात करेंगे। मैम, खाप पंचायत ने, किसानों की खाप पंचायत ने 21 मई को अनाउंस किया था कि 28 मई को नए संसद का उद्घाटन एक तरफ मोदी जी करेंगे, दूसरी तरफ किसान महिला बाहर अपनी पंचायत करेंगी पहलवानों के समर्थन में। हाँ जी, ये होना ही था। महिला घर में बैठ नहीं सकती है, जब देश की बेटियां सड़क पर बैठी हुई है तो महिला कैसे बैठ सकती है, माँ कैसे बैठ सकती है, तो आना ही था। तो हम सब लोग मिलकर 28 तारीख को एक बड़ा मतलब प्रोटेस्ट करेंगे। और आपने जो बोला था, हाँ जी, महापंचायत, तो वहाँ पे भी हम लोग सब लोग आएंगे, देश के विभिन्न प्रांतों से आएंगे सब लोग, हम इकट्ठा होंगे और बिजभूषण के खिलाफ, इस बीजेपी सरकार के खिलाफ हम लोग प्रोटेस्ट करेंगे। लग रहा है दिल्ली में इतनी ज़्यादा संख्या में महिलाओं को और किसानों को दिल्ली पुलिस या दिल्ली पुलिस केंद्र के अंदर में आती है तो अमित शाह जी घुसने देंगे? वो लोग तो कहीं पे भी घुसने नहीं देते, वो लोग तो बात भी करने नहीं देते, जीने भी नहीं देते, सांस लेने भी नहीं देते। वो लोग देते क्या है पहले आप ये बताइए ना, बात भी नहीं कर सकते है। रोजगार दे रहे हैं, विकास दे रहे हैं, विदेश नीति मजबूत कर रहे हैं, उनके घर में होगा विकास, उनका उनके बेटे होगा विकास, उनके बेटा ही विकास कर रहे हैं ना, विकास विकास विकास, एक विकास के ऊपर दूसरा विकास, तीसरा विकास, देखा नहीं अमित शाह के बेटे, अमित शाह खुद गुच्छी का माफलर लगाते हैं, यही तो विकास है। आम जनता के ऊपर कहाँ विकास, आम जनता सड़क पे था, सड़क पर है और सड़क पर ही रहेगा। लेकिन देश के गृह मंत्री हैं और एक सम्मान है गृह मंत्री का, तो गुच्छी का अगर मफलर लगा लिया तो दिक्कत क्या है जनता को, जनता अपने देश को प्रेजेंट करते हैं दूसरे के सामने। गुच्छी का मफलर, लोग खाने के लिए तरस रही है, महंगाई सर के पार हो गए है, युवाओं के पास नौकरी नहीं है, गुच्छी का मफलर ले लिया, क्या हो गया। हाँ, पैसा कहाँ से आते हैं, पैसा हमसे ही लेते हैं ना, टैक्स वगैरह हम भी तो भरते हैं ना। इतना देश में अगर प्रॉब्लम है तो 2014 लेने से क्या होगा, गमछा लीजिए, नॉर्मल गमछा लीजिए ना। अगर विकास नहीं हो रहा, भुखमरी है देश में, महंगाई है देश में, तो 2014 फिर 2019 और 2024 की भी वादे कर रहे हैं कि इस बार भी बीजेपी सरकार आएगी, तो लगातार जीतते हुए कैसे चले आ रहे हैं। घोड़ा सुना है, घोड़ा देखा है कभी, घोड़ा खरीदते हुए सुना है, घोड़ा बेचते हुए सुना है, तो सुना है तो घोड़ा घोड़ा ही सब कमाल है, घोड़ा का ही कमाल है। घोड़ा बेचेंगे, घोड़ा खरीदेंगे, जहां भी देखेगा कि इस घोड़े को खरीदना है खरीद लेंगे। सुबह का गोंदा अगर बीजेपी में शामिल होता है उसको गोंदा नहीं बोलते, देशभक्ति बोलते हैं। क्यों होता है कि सब, मैंने ज्यादा तो लोगों को सुना कि बीजेपी में जाने के बाद वो बीजेपी की बॉक्सिंग मशीन टाइप में भी वायरल हुआ था, देशभक्ति है ना, लगता है कि बीजेपी में जाने के बाद सब सुधर जाता है। एक गुंडा जब बीजेपी में शामिल होता है तो उसको गुंडा नहीं बोलते, देशभक्ति बोलते हैं उसको, मैंने बोला ना आपको। तो एक समोसा दो चाय, सॉरी, एक चाय दो समोसा, मोदी तेरा क्या भरोसा, एक चाय दो समोसा, बीजेपी तेरा क्या भरोसा, एक चाय दो समोसा, ब्रिजभूषण तेरा क्या भरोसा। मोदी जी का तो भरोसा कर रहे हैं वहाँ पे, अदर कंट्री के प्राइम मिनिस्टर तक मोदी जी के पैर ऑटोग्राफ लिया है ना, यहाँ पे ही तो खबर है, बाहर तो नहीं ऑटोग्राफ ले है। मोदी जी को बोलते है कि बेटियां न्याय के लिए गुहार लगा रहे, मोदी जी बोलते हैं केरला स्टोरी देखो, मोदी जी को बोलते हैं कि बेटियां न्याय मांग रही है, मोदी जी बोलते हैं कि केरल की हिंदू बेटी खतरे में है, तो ये भी तो हिंदू बेटी है ना, इनके इनको भी थोड़ा सा देखिए,
हाँ, तो इन पे भी तो जांच चल रही है। डर नहीं लगता है बीजेपी से, लगता है मुस्लिम से, डर नहीं लगता है ब्रिजभूषण से, लगता है। इसलिए मैं बोलती हूँ, कोरोना खतरा है तन के लिए, बीजेपी खतरा है वतन के लिए। कोरोना खतरा है तन के लिए, ब्रिजभूषण खतरा है वतन के लिए। कोरोना खतरा है तन के लिए, मोदी जी खतरा है वतन के लिए। तो ब्रिजभूषण की अगर बात कर रहे हैं, आपने जैसे ब्रिजभूषण का नाम लिया, तो हम बात करें जो पहलवान लगातार उनके लिए धरना दे रहे हैं, उनके खिलाफ धरना दे रहे हैं, यौन शोषण का इंजाम लगा रहे हैं, वही ब्रिजभूषण के भी लगातार बयान आ रहे हैं। कभी वो विनेश फोगाट को मेंका बताते हैं, कभी वो बजरंग पुनिया के ऊपर लेकर कमेंट करते हैं कि उनकी भी हमारे पास कॉल रिकॉर्ड है जिसमें वो लड़की की रिमांड कर रहे हैं। तो ऐसे लगातार ब्रिजभूषण के भी बयान। उनका नाम ब्रिजभूषण है, रावण रख रहा है, रावण का 10 मुंह होता है ना, 10 मुंह होता है कि नहीं, उनका भी 10 मुंह है। टीवी में बैठकर ऐसे बोलने से कुछ नहीं होगा, अगर हिम्मत है तो जंतर मंतर पर आइए और इन लोगों का सामना कीजिए। अयोध्या में 5 जून को आ रहे हैं, कह रहे हैं 5 लाख की पब्लिक अयोध्या में मेरे समर्थन में उतर रही है। देखेंगे अयोध्या में, देखेंगे, समय आने दीजिए ना, समय आने दीजिए। जनता अगर एक उंगली से सरकार बना भी सकती है, किसी को कुर्सी पर बिठा भी सकती है, तो जनता किसी को कुर्सी से नीचे तक ला भी सकती है और सरकार उखाड़ कर फेंक भी सकती है। उसी बीच में मोदी जी के 9 साल भी पूरे हो चुके हैं, तो 9 साल कैसे रहे मोदी जी के? 9 साल में हम लोगों ने अच्छे से कब खाना खाया याद नहीं है, ये विकास किया। 9 साल में हम लोगों के युवाओं को कि युवाओं के पास कितना नौकरियां है ये याद नहीं है। इतना नौकरी मिला युवाओं को, मतलब गिनते गिनते थक गए हैं। तो 9 साल, लेकिन हम जब 9 साल में हमारे प्रधानमंत्री जी देश घूमे, बड़े बड़े कंट्री में गए, फोटो खिंचवाए, मोर को खाना खिलवाए, आम कैसे खाते हैं ये दिखाया। हम लोग तो पहले आम नहीं कैसे खाते जानते नहीं ना, 9 साल में हम लोग सीख गए कैसे खाते हैं चीज़ें, कैसे देश घूमा जा सकता है, कैसे खुद की प्लेन होती है, कैसे करोड़ों की मकान होती है, कैसे मतलब 3 लाख की पेन होते हैं, पेन से लिखा जा सकता है, वो हम लोगों ने सीख लिया 9 साल में। लेकिन अगर बीजेपी वाले से बात करें, एक मिनट भैया, बीजेपी से जब हम बात करें 9 साल के, तो बहुत सारे काम गिनाते हैं, मैं भी आपको गिनाना चाहूंगा वो उनकी तरफ से। 370 भ्रष्टाचार, नोटबंदी से काला धन, विदेश नीति मजबूत, चीन को लाल आंखें दिखाना। उमां चीन को लाल आंखें दिखा, लाल आंखें दिखाने से हो गया? हाँ, महात्मा गांधी ने जब देश स्वाधीन किया था तो लाल आंख दिखाने से हो गया? हाँ, कुछ बोला नहीं, बस ऐसे लाल आंख दिखाने से हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा। डर रहा है चीन मोदी जी की लाल? सच्चे, इसलिए चाइना पूरा कब्जा कर रही है। हाँ, और आपने क्या बोला था, महंगाई और क्या बोला था हमें, काले मोदी जी ने नोटबंदी से काला धन वापस लाए। अरे मोदी जी इतना काम करते, आप इतना सवाल पूछे मैं ही भूल गया। हाँ, नोटबंदी है ना, तो 2000 नोट काहे का बंद कर रही है मोदी जी? हाँ, खुद ही पैसा मतलब प्रमोशन करती है, खुद ही पैसा बनाती है, खुद ही बंद करती है। 15 लाख आया क्या किसी की अकाउंट में? नहीं आया ना। सिर्फ हमारे मोदी जी लाखों के कपड़े, हमारे अमित शाह जी गुच्ची की माफलर, ये विकास हो रहा है, ये 9 सालों में ये हो रहा है। हाँ, सिक्का और आने वाला है नया, आपको पता है? हाँ, संसद का जिस दिन उद्घाटन होगा, जिस दिन संसद का उद्घाटन होगा 28 मई को, 75 रुपए का एक सिक्का आएगा नया। वो कब तक मतलब कब तक चलेगा? एक हफ्ते में बंद हो जाएगा या मतलब रहेगा? रहेगा, बंद हो जाएगा, लंबे टाइम तक चलेगा। अरे मोदी जी भगवान है, कुछ भी कर सकते हैं ना। आज सिक्का निकाला, परसों सोने का सिक्का निकालेगा, हाँ कोहिनूर का सिक्का भी निकालेगा। बयान और आया था ब्रजभूषण का, एक बयान और आया था कि अगर अमित शाह या मोदी जी या राष्ट्र अध्यक्ष जेपी नड्डा जी अगर मुझे इस्तीफा देने के लिए बोलेंगे तो मैं अपने पद से इस्तीफा दे दूंगा, लेकिन अभी तक तो सेंट्रल से कोई भी देश बोल रहा है। देश मोदी जी को किसने बनाया? अमित शाह को मोदी जी को प्रधानमंत्री किसने बनाया? अमित शाह को गृहमंत्री किसने बनाया? जनता ने बनाया, जनता जनार्दन है। मोदी जी इस्तीफा देने के लिए कहेंगे, अमित शाह जी कहेंगे, तब वो इस्तीफा देंगे। जनता कह रही है, रेसलर कह रही है, युवा कह रही है, इस्तीफा देना पड़ेगा आपको।
मैंने आपको बोला ना, जनता की एक उंगली से सरकार बन भी सकती है, किसी को कुर्सी पर बिठा भी सकती है, नीचे तक ला भी सकती है, सरकार उखाड़कर फेंक भी सकते हैं। अच्छा, जब नार्को टेस्ट की बात आई, लास्ट क्वेश्चन है मेरे, जब नार्को टेस्ट की बात आई, ब्रह्मभूषण से बोला गया, तो ब्रह्मभूषण ने कहा कि मैं भी नार्को टेस्ट कराने के लिए तैयार हूँ, लेकिन पहलवानों को भी करवाना पड़ेगा। पहलवान तो कब से चिल्ला रहे ना करने के लिए, उनको ही टाइम लग रहा है, उनको सोचने का टाइम लग रहा है, अरे क्या होगा अगर मैं फंस गए तो, मेरा जो रावण का 10 मुंह है ना, 10 का अगर एक मुंह निकल आया तो क्या होगा, इसलिए परेशान में है, बौखला गई है। आने तो दीजिए ना, उनको आने दीजिए। मैं तो बोलूँ जंतर मंतर पे आइए, अच्छे से वेलकम करती हूँ उनसे, वो हम लोगों के साथ रूबरू हुई, अगर हिम्मत है तो। अगर अब एक महीने से ज्यादा हो गया पहलवानों के यहाँ बैठे हुए, अगर अभी तक भी अगर कुछ भी सेंट्रल से बात नहीं अभी सुनी गई इनकी, ना कोई वहां से जवाब आया है, और वहीं पर अगर आगे कोई भी कार्रवाई नहीं करी जाएगी, तो आप सब लोग जो पहलवान हैं और पहलवान के आप लोग समर्थन हैं, तो क्या करने वाले? आगे की जो रणनीति है वो हम लोग सब लोग मिलकर करेंगे, और जो कमेटी है सब लोग डिस्कस करके, आम जनता सब लोग बैठ कर, जो ही जो डिसीजन होगा उसी हिसाब से हम लोग चलेंगे। 22 मई को नए संसद भवन पर जा रहे हैं हम लोग, जाएंगे, मैं भी जाऊंगी, क्यों नहीं जाऊंगी, जाना तो पड़ेगा ना, हम लोग तो सुरक्षित नहीं है यहाँ। देखिए, कोई अगर बुरखा पहने या कोई लड़की अगर पूरा ढके हुए रखे, बलात्कार सिर्फ बिना कपड़ों में नहीं करते हैं, बलात्कार माइंड से भी करते हैं। जिसका माइंड खराब है ना, वो आंखों से भी बलात्कार करे। बलात्कार करने के लिए किसी को लाइसेंस नहीं चाहिए, कपड़ों की लाइसेंस नहीं चाहिए। तो मैं यही बोलूँगी, और अंत में यही बोलूँगी, हम लोग जाएंगे, मैं भी जाऊँगी, और कोरोना खतरा है तन के लिए, रिजोल्यूशन खतरा है बतन के लिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे साथ यहाँ पर पहलवानों के समर्थन में जो जंतर मंतर पे लगातार अपना सहयोग देने आते हैं, उनसे हम बात कर रहे हैं, तो उनका साफ कहना 28 मई को हम मिलेंगे नए संसद के बाहर, और एक बड़ा महापंचायत करेंगे महिलाएं से ही बात कर रहे थे। मैं अजीत शाह, आप देख रहे थे जेनिट टाइम, चैनल को लाइक से सब्सक्राइब जरूर करिए, और आपके कोई भी जो भी सवाल है हमें कमेंट बॉक्स में बताइए, हम उसका जवाब जरूर देंगे। धन्यवाद।